तो आज हमारे पास एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आए हुए हैं। इनका नाम है आईगियर क्रिस्टल। चार कलर ऑप्शन में ईयरफोन अवेलेबल है एंड चारों कलर हमारे पास हैं। एंड इन ईयरफोन्स की खास बात है, ईयरफोन्स टोटली ट्रांसपेरेंट बिल्ड में आते हैं, मतलब काफी फ्यूचरिस्टिक लुक आपको इसमें मिलने वाला है। प्राइसिंग है सिर्फ 1300 रुपए। परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हो। तो अगर आप भी बोर हो चुके हो, नॉर्मल ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है जिनका लुक काफी पुराना हो चुका है, आपको कुछ हटके चाहिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हो सकता है आपकी तलाश यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ये ईयरफोन चार कलर ऑप्शन में अवेलेबल है एंड चारों कलर हमारे पास हैं। मिडनाइट ब्लैक, नियॉन ग्रीन, ब्लश पिंक, आइवोरी व्हाइट। नाम काफी यूनिक रखे गए हैं। बॉक्स पैकेजिंग देखी जाए तो यहाँ पे आईगियर क्रिस्टल की ब्रांडिंग है। बॉक्स काफी यूनिकली डिजाइंड है इसका, काफी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स इसमें दिया गया है। कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन है चाइना। MRP मेंशन की गई है 3000 रुपए। तो अब कर लेते हैं चारों की अनबॉक्सिंग। यहाँ पे भी आईगियर क्रिस्टल की ब्रांडिंग है। तो छुटकू से बॉक्स के अंदर है कुछ पेपर वर्क, एक सिलिकॉन केस, एक कैरी स्ट्रैप जो सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है, Type-A to Type-C केबल, कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर कैच, एंड ये है फाइनली अपना ईयरफोन। तो ये है चारों ईयरफोन, ब्लैक, पिंक, ग्रीन एंड व्हाइट। लुक वाइज काफी कूल लग रहे हैं यार। इनको देख के मुझे एस फास्ट का मैंने एक ईयरफोन रिव्यू करा था उसकी याद आ रही है, वो भी कुछ ऐसा ईयरफोन था। तो जो ईयरफोन जिस कलर का है उसके साथ उसी कलर की एक्सेसरी दी गई है, लाइक कवर, ईयर कैप एंड कैरी स्ट्रैप। तो चार्जिंग केस आते हैं टोटली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक केस में। फ्रंट पार्ट में LED डिस्प्ले है जहाँ पे आप चार्जिंग केस एंड दोनों ईयरफोन का बैटरी लेवल चेकआउट कर सकते हो। बॉटम पार्ट में है टाइप सी पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए। दोनों ईयरफोन्स बाहर से ही निकल जाते हैं। ईयरफोन्स भी टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आते हैं। पीछे के पार्ट में आईगियर की ब्रांडिंग है। पीछे के पार्ट में इसका टच सेंसिटिव एरिया भी है। फाइबर स्पीकर ग्रिल इसमें दी गई है, अगर मेटल की होती तो और भी बेटर रहता। तो इनका केस भी हम लगा के चेकआउट कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि साथ में कंपनी ने केस प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो काफी आराम से इसमें स्क्रैचेस वगैरह लग जाएंगे, जैसा इस ब्लैक वाले में लगे हुए हैं। स्ट्रैप भी इसमें है जिससे काफी आराम से आप इसको कैरी भी कर सकते हो। तो इन चारों में से आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे पर्सनली यहाँ पे व्हाइट एंड ग्रीन ज्यादा बेटर लग रहा है दिखने में। वेट हम चेकआउट कर लेते हैं। सिंगल ईयरफोन का वेट है तकरीबन 6 ग्राम, विथ चार्जिंग केस 36 ग्राम, केस के साथ 51 ग्राम। अभी ईयरफोन्स को अपने फोन से हम पेयर करके चेकआउट कर लेते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको दोनों ईयरफोन्स को बाहर निकालना होगा। इसमें कोई भी लिड नहीं है तो फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट हो या ना हो कोई नहीं पड़ता। यहाँ पे आईगियर क्रिस्टल लिखा हुआ चुका है, इसमें हम कर लेते हैं क्लिक पेयर। तो ईयरफोन्स पेयर हो चुके हैं, साथ ही आप ईयरफोन्स का बैटरी लेवल भी अपने फोन पे चेकआउट कर सकते हो। तो अगर इनकी फिटिंग देखी जाए तो कानों में काफी परफेक्टली ये फिट हो जाते हैं। तो अगर आप वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो, जिमिंग करते हो तो आपके कानों से नहीं गिरेंगे। तो 14 mm के इसमें ड्राइवर्स का सपोर्ट दिया गया है। एक सिंगल चार्ज में ईयरफोन्स में आपको तकरीबन 4-5 घंटे का प्ले टाइम मिल सकता है मॉडरेट वॉल्यूम पर। चार्जिंग केस आता है 320 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ। चार्जिंग केस से ईयरफोन्स को आप तकरीबन 4-5 बार और चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग केस के साथ टोटल प्ले टाइम आपको यहाँ पे मिल सकता है 30 आवर तक का मॉडरेट वॉल्यूम पर। IPX5 रेटेड है, हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश एंड स्वेट से इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड कनेक्टिविटी के लिए इसमें दिया गया है लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट। तो अब बात कर लेते हैं इसके साउंड आउटपुट की, कैसे ईयरफोन साउंड में परफॉर्म करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम बेस की। तो इसमें आपको ज्यादा लाउड या एक्स्ट्रा बेस नहीं मिलने वाला है। इसका बेस आउटपुट मुझे काफी डिसेंट लगा, बैलेंस टाइप का बोल सकते हो। तो जिनको बेसी बेस पसंद आता है तो हो सकता है उनको ईयरफोन्स उतने पसंद ना आए। ट्रेबल्स रिस्पॉन्स इसका काफी मुझे ठीक लगा एंड मिड्स यानी वोकल्स इसके मुझे काफी क्लियर लगे। तो हाईज एंड मिड्स में ईयरफोन्स अच्छे परफॉर्म करते हैं लो एंड फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। तो अभी ईयरफोन्स का एक माइक टेस्ट भी हम कर लेते हैं। इसमें ENC का सपोर्ट कंपनी ने प्रोवाइड कराया है, यानी एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। तो कॉलिंग के दौरान ये बैकग्राउंड नॉइसेस को थोड़ा कट कर देता है। एंड अब जो आप साउंड सुन रहे हो आप इसके माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हो। बाय डिफॉल्ट राइट वाले ईयरफोन का माइक्रोफोन यूज करता है। मेरा रूम भी टोटली साइलेंट है, सिर्फ एसी मेरा चल रहा है। कैसा इसका माइक परफॉर्म कर रहा है आपको अभी तक पता चल चुका होगा। अब फैन मैंने ऑन कर दिया है एंड विंडोज सिचुएशन में कैसा इसका माइक परफॉर्म कर रहा है वो भी आपको पता चल चुका होगा। तो माइक परफॉर्मेंस आपको उसकी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड ये ईयरफोन्स गेमिंग के मतलब के नहीं है, अगर आप गेमिंग करोगे तो लेटेंसी आपको उसमें फील होगी। सिर्फ म्यूजिक पर्पज के लिए ईयरफोन्स बनाए गए हैं। एंड एक इस ईयरफोन की मुझे कमी भी लगी, इसमें ASC कोडेक का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है। वही बेसिक SBC कोडेक इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। आई थिंक कंपनी को ASC कोडेक का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए था। अब इन द लास्ट बात करते हैं कि आपको ईयरफोन्स को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर प्राइसिंग के हिसाब से ईयरफोन्स देखे जाए तो ईयरफोन्स की बिल्ड काफी अच्छी है। इनबिल्ट इसमें डिस्प्ले भी है जिससे आप इसका बैटरी लेवल वगैरह चेकआउट कर सकते हो। लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 का इसमें सपोर्ट है, IPX5 रेटेड है, बैटरी बैकअप भी इसका काफी ठीक है। बेस में ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो अगर बेस ही बेस से आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको ऐसे ईयरफोन चाहिए जो हाईज एंड मिड्स में अच्छा परफॉर्म करता हो, जो लुक वाइज काफी कूल हो, आपको कम बजट में बैटरी बैकअप थोड़ा सा अच्छा चाहिए, तो आप इस ईयरफोन को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो इन ईयरफोन से रिगार्डिंग तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।